हो किसी को तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं। ठंडा कर दिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपने हमारे अभी रीसेंट ब्लॉग से पता चला होगा कि हम आ चुके हैं वृंदावन, एंड आई ऑलरेडी मेंशन कि वृंदावन मींस माय इन-लॉज का घर। तो हम यहाँ पर आते रहते हैं, तो लेकिन इस बार हम होली पे आए हैं और होली का जो डेज है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं, और कल थी बरसाना में लठमार होली जो कि हम नहीं जा पाए, लेकिन आज हम नंदगांव वाली होली देखने जाएंगे ना। Yes. हाँ, मैं तो नहीं जा पाऊंगी लेकिन मेरे कुछ कजन ब्रदर्स और सोहम जरूर इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस ब्लॉग में आगे आपको सोहम में दिखेंगे, वही आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। तो अगर नंदगांव की होली बहुत कम लोगों ने देखी है आई थिंक, है ना, तो नंदगांव की होली जिस जिस लोगों ने देखी ना प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सोहम का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और कहाँ की होली आप देखना चाहते हो उसको भी आप कॉमेंट कर सकते हो। है हाँ, डॉली की जरूर ले आना, लेकिन तुम जहाँ भी जा रहे हो उनके स्वागत के लिए एक मेहमान भी आ गया है। तो माता आ रही है, रोटी है। अभिषेक टेस्ट में कैसी लग रही है? है इशू, ये पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है यहाँ का आजकल nowadays। मतलब वो तो ये उस वाली शॉप की नहीं है। तुम तो अभी कहाँ भाई, तेरा बनाना है? ओके अच्छा अच्छा कंटेंट यूज कर लेके आता ना। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। जो जैसे साइड से भीड़ आ रही है ना। और गाइस यहाँ से आगे ऑटो या गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ पे साइड में पार्किंग लगा दी है और ये बैरिकेडिंग हो गई है। ये एंड है नंदगांव के लिए जो रास्ता जा रहा है मंदिर का, यहाँ से पैदल जा रहे हैं। और यहाँ पे आप बीच बीच में देख पाओगे कि बाइक सवार भी है जो कि 10-20 रुपये लेके नंदगांव मंदिर तक छोड़ देंगे, बट हम सोच रहे हैं कि पैदल जाएँ, क्या करना है भाई मुझे भी नहीं पता, गूगल ही करते हैं यार। और यहाँ ऊँट की सवारी भी चल रही है, बीच बीच में बाइक वाले भी अपना जेब गरम कर रहे हैं, खाने पीने के स्टॉल, माहौल पूरा बना हुआ है आज नंदगांव की होली का। हमने यहाँ आते ही शॉपिंग शुरू कर लिया है। ये थोड़ा हीरोगिरी में यो वाले है उसमें। मैंने कहा थोड़ा ऑफ द रोड जाते हैं, यहाँ पर भी ऑफ द रोड ही चलना पड़ रहा है, पैदल रोड है बट गाड़ी नहीं है। और होली की शुरुआत हो गई है, एक भाई मिल गया था अपना जानकार, तो यहाँ पे ये कि अगर आप बिना रंग पुते हुए जा रहे हो, दिख रहे हो किसी को, तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं बिना रंग लगाए, तो विच इज़ अ गुड पार्ट। कि आप अगर अकेले भी आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ऐसा फील नहीं होगा कि आप अकेले हो, काइंड ऑफ कोई ना कोई मिल ही जाएगा, कोई ना कोई रंग लगा ही रहा होगा, कोई पानी फेंक रहा होगा, कोई कुछ, तो यू विल एंजॉय दिस। और ये होली का पूरा माहौल शुरू हो गया है, चारों तरफ रंग गुलाल।
रास्ता है, चारों तरफ से नलका चप्पल को कभी भी सुरक्षित स्थान पर रख करके दर्शन करने के लिए जाए। ये यहाँ से एंट्री शुरू हो गई है, अब यहाँ से जूते चप्पल उतार के अंदर जाएंगे लोग बाग। ये देखो खुशी, यहाँ से शुरू हो रही है कुंज गलियाँ। हमारे साइड में बच्चे अपने होली का आनंद लेते हुए ईशू यार चक्कर क्या है बच्चे आ गया लपेटे में। डरा रहो खाली बाल्टी तो डरा रहो। ये नंदगांव मंदिर की चढ़ाई शुरू हो गई है, ये बड़ी बड़ी स्टेयर्स हैं, देखते हैं अभी हमने 10 स्टेयर्स चढ़ी होगी मुश्किल से। भैया कितनी सीट, तो भैया कितनी सीढ़ियां ऊपर तक? 96। अच्छा तो लठमार शुरू है गई या होगी अभी ऊपर? क्यों लठमार ऊपर चल रही है? नीचे होगी तो ऊपर को चल रही है अभी। अच्छा रंग और गुलाल चल रहा है। नीचे 5 बजे का टाइम है ना। Yeah!
दो उधर। निशाना कोई और था लेकिन तुम शिकार हो गए। बस तुम ही आए, जिन पर पढ़ना था उन पर तो पढ़ाने वजह लग रहा है।